ऐसा बंदा कि जिसका 5 लाख डॉलर्स का बजट है, आप उसको क्या मशवरा देंगे कि आज के टाइम में हेलीफैक्स के सराउंडिंग्स में वो कहाँ पर घर ले? तो इसका क्या प्रोसीजर है? अब मेरी तरह का एक बंदा है, वर्क परमिट पर आया, तो क्या मैं घर खरीद सकता हूँ? अब मेरा पहला स्टेप क्या होगा? नहीं तो सकते ऐसा भी कुछ हुआ है कि किसी को पता लगा हो घर खरीदने जा रहे हो और आपको बाद में पता लगा हो कि यार इस घर में जो है साया है, जिस तरह पाकिस्तान हाँ। इंडिया में चलता है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं यहाँ पे तो 1.5% आपको गवर्नमेंट को देना होगा। 5 लाख 30 लाख 5 लाख की अगर आप प्रॉपर्टी ले, 7,500 गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट तो यार हर जगह पे जो है ना कमीशन बायर ठीक सेलर है से भी ले रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेसिकली एक पॉडकास्ट है हेलीफैक्स के मशहूर रियल एस्टेट डीलर के साथ, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इनके साथ एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, आपके साथ सारी जो है ना मालूमात शेयर की जाए कि यहाँ पर हेलीफैक्स में कनाडा में कैसे घर खरीदा जाता है, कैसे रियल एस्टेट एजेंट बना जाता है, और बहुत सारी जो है ना हम बात करेंगे शारिक भाई के साथ। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शारिक भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, मेरे चैनल पर आने के लिए। शारिक भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप जो है कहाँ से हैं, कनाडा कैसे आए? जरूर अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। हम लोग दिल्ली से आए थे, इंडिया से तकरीबन 7 साल पहले हेलीफैक्स, और पीआर पे आए थे यहाँ पे। और इस इरादे से आए थे कि हेलीफैक्स छोटा शहर है, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिली तो किसी बड़े शहर में चले जाएंगे, जैसे टोरंटो है या वैंकूवर वगैरह। बट यहाँ पे दिल लग गया और लोग बहुत अच्छे थे यहाँ के, सबने बड़ी हेल्प की और बड़े वेलकमिंग लोग थे, तो ये एक तरह से हम हेलीफैक्स अब हमारा घर हो गया। तो इंडिया में भी आप ऐसे रियल्टर ही काम करते थे? मैं इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग की थी मैंने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अच्छा, सिविल इंजीनियर थे वहां पर आप? जी। और मैं लाफाज, एक फ्रेंच कंपनी है, उसमें काम करता था। अच्छा, वो जो मल्टीनेशनल जी जी कंपनी, क्या जी वो कनाडा में बात भी है। है और मुल्कों में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो उसमें मैं काफ़ी साल तक काम किया, उसके बाद फिर कनाडा मूव होने का इरादा बन गया और हम लोग फिर यहाँ पे आ गए। लफार जैसी कंपनी में काम किया तो फिर आप यहाँ पर आके जो है रियल्टर क्यों बन गए? आप एज ए इंजीनियर प्रैक्टिस करते? असल में अहमद भाई, हर आदमी ये ख्वाहिश करता है कि जो भी मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में या इंडिया में, उसी फील्ड में काम करूँ। वो ये बड़े सबके जहन में रहता है, ख़ासतौर से जो लंबा अगर तजुर्बा हो जाए, काफ़ी साल तक कोई काम किया तो अपना जो प्रोफेशन है या अपनी जो फील्ड है वो चेंज करना नहीं चाहता। मेरे जहन में भी ये था कि मैं जाके बिल्डिंग मटेरियल में ही काम करूंगा किसी कंपनी में, या मैं किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करूंगा बीइंग ए सिविल इंजीनियर। लेकिन जब आए तो मैं ये पता किया, तो ये पता लगा कि आपको, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या और कोई भी इंजीनियर हैं, तो आपको यहाँ एडिशनल कुछ कोर्सेज करना पड़ेंगे, कम एट पार विद द कैनेडियन क्राइटेरिया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिविल इंजीनियर या कोई भी दूसरा इंजीनियर है, अगर वो कनाडा आता है तो वो कनाडा में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट जो है वो बन सकता है, प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कनाडा में आकर जो है प्रॉपर्टी डीलर बनने का क्या प्रोसेस है? कनाडा में प्रॉपर्टी डीलर बनने का ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, दो तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं। एक तो आप लीगली वर्क करने के लायक हो, यानी आपके पास पीआर हो या वर्क परमिट हो, और दूसरा आपकी उम्र जो है एटलीस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज हो, और अच्छा, आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या उसके इक्विलेंट कुछ हो। मतलब अगर पाकिस्तानी इंडिया में किसी ने 12वीं क्लास पास की है और वो अगर कनाडा आ जाता है पीआर पे या वर्क परमिट पे, जी तो जी वो यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकता है, रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल इसके लिए ऐसा। कोई कोर्स हमें करना होता है? इसके लिए यहाँ पे इदारा है जिसका नाम है नोवा स्कोशिया एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, NSAR। वो जो है ये लाइसेंसिंग एग्जाम और ये सब चीज़ कराता है। अगर कोई गूगल करे तो उसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी, लेकिन उनका ही ये काम है जो लाइसेंसिंग कोर्स को, जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं लाइसेंस लेने में, और बाद में भी जो लोग रियल्टर बनते हैं उनको वही इदारा जो है वो कंट्रोल तो करता है। ये नोवा स्कोशा का कनाडा के हर जी प्रोविंस में डिफरेंट इदारे होंगे ऐसे ही, एग्जैक्टली। इसकी कोई फीस भी होती है ये कोर्स करने की? देखिए इसकी फीस तकरीबन सब कुछ मिला के, क्योंकि इसमें कई कई छोटी छोटी फीसेस होती हैं, सब कुछ मिला के तकरीबन 3,300 का खर्चा है इनिशियली टू बिकम अ रियल्टर, 3,300 कैनेडियन डॉलर्स कैनेडियन तो डॉलर्स। बहुत सस्ता हुआ, मतलब कुछ भी जी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और टाइम क्योंकि मैंने जो रिसर्च की है, आप मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं, कोई भी आप फील्ड ले लें, कोई भी छोटा मोटा कोर्स करने आप जाएं कनाडा में, वो 5 से 10 हज़ार कैनेडियन डॉलर से कम तो है ही नहीं। मेडिकल तो आप भूल ही जाएं, बिल्कुल तो ये ऐसे तो ही है, बहुत सस्ता है, मतलब कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जैसे आपने पूछा तो फीस भी कम है और इसका ड्यूरेशन भी इतना ज़्यादा अच्छा, नहीं ड्यूरेशन भी इतना ज़्यादा, कितने टाइम है। में ये हो जाता है? इसमें अगर आप ऑनलाइन करते हैं, यानी अपने घर पर बैठ के इस कोर्स को करते हैं, तकरीबन 6 महीने लगते हैं। उसमें वो सारा मटेरियल आपको बाय कोरियर भेज देते हैं आपके घर पे, एंड यू कैन रीड द बुक्स एंड देन यू कैन अपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो ये तो 6 महीने हुए। अगर आप इन क्लास करना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि मैं मॉर्निंग में जाऊँ क्लास और पूरा दिन वहाँ अटेंड करूँ और फिर मैं एग्ज़ाम लिखूँ, तो इट्स जस्ट 30 डेज कोर्स। 30 डे में आप इन क्लास सारा कुछ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से वो पढ़ाते हैं। उसमें कुछ लेक्चर्स जो होते हैं वो लॉयर्स के भी होते हैं, कुछ रियल इस्टेट एजेंट्स के भी होते हैं, कुछ प्रोफेसर्स के भी होते हैं, अलग अलग शोबे के लोग आते हैं, वो आपको एजुकेट करते हैं।
एंड देन देयर इज अ फॉर्मेट, उस पर फिर वो एग्जाम की तैयारी कराते हैं और फिर आप एग्जाम लिखने के लायक हो नहीं तो जाते अगर हैं। एक बंदा इंडिया में है, उसकी पीआर लग गई है, ठीक जी है, और वो वहीं से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, और जो 6 महीने के अपने कोर्स की बात की, तो क्या आपको लगता है कि वो कर सकते हैं वहां से बैठ के? अच्छा, वो नहीं कर पाएगा, उसको नोवा स्कोशिया में प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रेजेंट होना जी जरूरी जी है। अच्छा, जी ये बड़ा जो है ना आपने जी क्लैरिटी कर दी क्योंकि मेरे को। एग्जाम जो है वो एक सेंटर, मखसूस सेंटर पे होता है और सारे जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनको वहीं पे जाके देना नहीं होता तो है। क्लासेस नहीं ले सकते 6 महीने की जो क्लासेस है? ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं लेकिन आप एग्जाम के लिए आपको आना नहीं पड़ेगा, नहीं वो तो एग्जाम क्लासेस जो आज शुरू कर सकते हैं आप। क्लासेस शुरू कर सकते बिल्कुल हैं, तो भाई बिल्कुल ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया में 12वीं पास है, 19 19 साल के हैं, तो मेरे ख्याल से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि ये आसान होता है, इसकी पढ़ाई आसान है या मुश्किल है, चैलेंजिंग है काफ़ी? देखिए पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़े हैं वहाँ पे, जिन्होंने वहाँ एजुकेशन ली है उनके लिए मैं समझता हूँ, या इंडिया में भी उनके लिए ये एग्ज़ाम इतना कोई टफ नहीं है क्योंकि अच्छा, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छी है इंडिया पाकिस्तान की, तो इसलिए उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी इस एग्ज़ाम निकालने में। तारिक भाई ये बताएं कि यार कनाडा में प्रॉपर्टी डीलर्स या रियल एस्टेट डीलर्स जो होते हैं वो कितना कमा लेते हैं पर मंथ? अहमद भाई इसका जो लैंडस्केप है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है क्योंकि देखिए एक तो कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है, अब डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं और कितना आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ इसमें लोग ऐसे भी हैं जो कि पार्ट टाइम करते हैं रियल एस्टेट अच्छा को, वो फुल टाइम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वो आईटी में जॉब कर रहे हैं या किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं वीकेंड पे ही खाली ये काम करूँ, सैटरडे संडे को मैं फारिग हूँ और सैटरडे संडे को इसमें वो इंटरेस्ट लेके। कुछ लोग शौकिया भी ये काम करते हैं कि उनको शौक होता है बचपन से रियल एस्टेट में आने का, लेकिन आप अगर कुछ रियल एस्टेट एजेंट हैं जो कि फुल टाइम यही कैरियर है उनका, 365 दिन वो यही काम करते हैं और उनका पूरा यही इसी पे फोकस है, देन दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट आप इमिजिएटली अगर कोई चाहे इंडिया से आगे पाकिस्तान से, 1 साल 2 साल में ये विल बी अ फुल फ्लेज्ड रियल्टर, वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इट टेक्स टाइम। एक तो नेटवर्किंग का मसला रहता है, आपको काफ़ी लोगों से अपनी नेटवर्किंग बनाना होती है अपनी कम्युनिटी में। बेसिकली जो अब स्टार्ट करता है रियल्टर तो वो बेसिकली अपनी कम्युनिटी में सेल करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा लाहौर से आया तो हो सकता है उसका जो पहला सर्किल हो वो लाहौर के लोगों का हो जो यहाँ मुकीम है, तो वो फिर उन कोशिश करेगा कि उन लोगों के साथ अपनी बिजनेस स्टार्ट करे, या हो सकता है उसका कोई रिलेटिव रहता हो यहाँ पे उनके साथ स्टार्ट करे। धीरे धीरे फिर और कम्युनिटीज़ या और नेशनलिटीज़ के लोग भी जुड़ते जाते हैं, तो बाय द टाइम वो पीक पे आता है इट टेक्स फ्यू ईयर्स। तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि कमाने पर आएंगे तो $1,000 भी हो सकते हैं, और कमाने पर आएंगे तो $20,000 भी हो एग्जैक्टली सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे तो हैं। आप इंडिया से आए, आपका नेटवर्क यहाँ पर किस तरीके से बना? शुरू में काफ़ी दिक्कत भी अहमद भाई क्योंकि उस टाइम पर तकरीबन 8 साल पहले इंडियन या पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं, नहीं थी। इंडियन तो साल पहले यहाँ पर नहीं थे, अभी साल पहले जी ही अभी आया सारे। तो जी तो वो कम्युनिटी भी बहुत छोटी थी, तो शुरुआत में दिक्कत हुई लेकिन इसी तरह से कि जैसे इवेंट्स होते हैं, दिवाली का इवेंट है, होली का इवेंट है, ईद है, बकरीद है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ कम्युनिटी गेट टुगेदर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, तो जो बंदा जिस फील्ड का है वो उसमें फिर अपना इन्वॉल्व होता है थोड़ा कम्युनिटी में और फिर लोग जानने लगते हैं कि ये बंदा रियल्टर है एंड लेट्स अप्रोच हिम। अच्छा आप रीमेक्स में काम करते हैं, तो क्या रीमेक्स आपको कोई सैलरी पे करती है? पाकिस्तान में तो ये होता था कि यार, मैंने भी काम किया हुआ है प्रॉपर्टी डीलर का, बैरियर टाउन कराची में, तो वहां पर तो ऐसा होता था कि लड़कियों को मैक्सिमम ये होता था कि पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड कर जी दी जाती थी। जी जी सैलरी जो है, मैंने इक्का दुक्का कंपनीज हैं जिसमें सुनी थी कि यार वहां पर पे करते थे, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ऑफ द कंपनीज जो है सिर्फ कमीशन पे करती थी। तो यहाँ जी पर क्या होता है? हम तो यहाँ पे भी पूरा 100% कमीशन बेस्ड बिजनेस है। जो भी आप सेल करते हैं आपका ब्रोकरेज यानी कंपनी, जैसे आप रिमैक्स कह रहे हैं तो मैं रिमैक्स के साथ हूँ, तो रिमैक्स अपना जो शेयर है वो उसमें से रख लेता है और बाकी जो आपका शेयर होता है वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है, आपकी सेल पूरी हो जाती है। कोई एक्सपेक्ट करता है कि मुझे मंथली कुछ ना कुछ सैलरी मिले, तो रियल इस्टेट में अनफॉर्चुनेटली कोई सैलरी नहीं है। जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय और सेल कर रहा होता है, पाकिस्तान में होता था कि हम 1% कमीशन लेते थे घर खरीदने और सेल करने पे, दोनों पार्टीज कमीशन पे करती थी। कनाडा में क्या दोनों पार्टीज कमीशन पे करती हैं? नहीं यहाँ पे ऐसा है कि जो सेलर होता है, जो सेल करता है अपना हाउस, वही कमीशन पे करता है और दोनों पार्टी का पे करता है वो। फॉर एग्जांपल अगर 5% कमीशन है सेलर की तरफ से तो 2.5% रियल इस्टेट कंपनी जो बायर की होगी उसको जाएगा और 2.5% जो सेलर की रियल इस्टेट कंपनी है उसको जाएगा। आप कहना चाह रहे हैं कि 5% कमीशन जो है सेलर को देना पड़ता है, जी मतलब अगर $5 लाख का घर है तो तकरीबन जी 25,000 कैनेडियन डॉलर्स $25,000 का एग्जैक्टली कमीशन वो देगा। जी 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 तो पाकिस्तान में तो ये होता था कि जब मैंने काम किया, वो मुझे अभी भी एक एग्जाम्पल याद है कि एक पार्टी ने मुझे एक प्लॉट बेचने के लिए दिया। बैरियर टाउन का प्लॉट था, प्रीसेंट 6 का, तो वो प्लॉट की मार्केट वैल्यू तकरीबन चल रही थी 60 to 65 लाख। उसने मुझे बोला कि यार तुम 67 66 में अगर बिकवा दो ना तो मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि उस प्लॉट की मुझे 70 लाख रुपए की ऑफर आई।
तो मैंने बड़ा खुश होकर जो है ना पार्टी को बताया कि यार ये ऑफर है, लेकिन मैं 1% के बजाय 1.5% चार्ज करूंगा। तो उस पार्टी ने तो मुझे बोला कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, 1 लाख रुपए तुम्हें कमीशन दे दूं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें कमीशन, ये आप एक काम करो दूसरी पार्टी से जाके ले लो। तो क्या यहाँ कनाडा में ऐसा होता है कि यार जब आप किसी से कमीशन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको बोले कि यार $25,000 कैनेडियन मैं आपको क्यों दूं यार, थोड़ा सा डिस्काउंट कर लो। डिस्काउंट के लिए वो बात करते हैं अक्सर, अच्छा क्योंकि होता है यहाँ पर? कोशिश करते हैं कि वो जैसे 5% तो नेगोशिएट कर लें, 4.5% पे अगर हो जाए, इस तरह से कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर हम अपने ब्रोकर से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे परमिशन लेके अगर वो एग्री करें तो 2.25, 2.25 दोनों तरफ का हो जाए, इस तरह का कुछ निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि काफ़ी सब्सटेंशियल रिडक्शन हो जाए उसमें कमीशन में, या कुछ अलग से कुछ पैसा मिल जाए, ये इस तरह का नहीं होता। तो काफी चैलेंजिंग लग रहा है सुनने में कि $25,000 कैनेडियन अगर आपको कमीशन मिला सेल करने पर, तो 25 के बाद हाफ 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 साढ़े बायर को बारह मिला, 12.5 बायर के पास गया, 12.5 आपके पास आया, जी, और उसमें से भी कितना परसेंट? उसमें अलग अलग रियल्टर्स का ब्रोकरेज का अलग अलग टाई अप होता है, कुछ 70-30 पे काम करते हैं, कुछ 80-20 पे करते हैं, कुछ 65-35 पे सिक्सटी का फिफ्टी पे करते हैं? 65-35 पे भी करते हैं। अच्छा तो सिक्सटी इस फाइव मतलब थर्टी फाइव 35% ब्रोकरेज ने ले लिया, 65% रियल्टर को अच्छा मिला, 50-50% नहीं होता है पर 50-50% पे तो मैंने नहीं सुना, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो, लेकिन मैंने नहीं सुना अभी तक। 65% कंपनी को जाएगा? 65% रियल्टर को जाएगा, अच्छा 35% ब्रोकरेज को सही है, जाएगा। चलिए ये सुनने में थोड़ा सा सुकून जी वाला, जी थोड़ा जी सा रिलीफ मिल रहा है सुनकर के 65% भाई जी ब्रोकर कुछ तो मिल रहा है ब्रोकरेज एग्जैक्टली में। उसके बाद उसमें खर्चे आपके रियल्टर के जो हैं वो सारे खुद होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी उसका पेट्रोल का गैस का खर्चा है वो उसका अपना है, उसके अलावा जो भी उसके बिल्स हैं, बिल टेलीफोन बिल्स हैं या उसके बाद तो कैनेडियन टैक्स जो लगता और होगा उसके बाद जो टैक्स है, 20-30% तो टैक्स तो लग वो सब जाता चीज़ें। होगा। जी एग्जैक्टली अच्छा आप बात कर लेते हैं कनाडा में घर खरीदने के प्रोसेस के बारे में, शारिक भाई थोड़ा इसके बारे में बताएं कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं पाकिस्तान से इंडिया से, हर बंदे की ख्वाहिश है आजकल कि यार मेरा अपना घर हो, इसका क्या प्रोसीजर है? मेरी तरह का एक बंदा है वर्क परमिट पर आया है, तो क्या मैं घर खरीद सकता हूँ? अगर खरीद सकता हूँ तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप वर्क परमिट पे या पीआर पे यहाँ पे हैं तो आप घर खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। आजकल फिलहाल यहाँ पे 5% डाउन पेमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है गवर्नमेंट का, जिसमें डाउन पेमेंट जो आप 5% बायर को देना होती है वो असिस्टेंस प्रोग्राम उनका है, तो उसके तहत आपको 5% डाउन पेमेंट भी मिल सकता अच्छा है। ये एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बताई है कि 5% जो डाउन पेमेंट है वो आपको नोवा स्कोशिया की गवर्नमेंट पे कर देगी और उसमें कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको जो दीगर खर्चे हैं वो अपने पॉकेट से करना पड़ेंगे, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो असिस्टेंस प्रोग्राम है इसमें काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। एक लिमिट है उसके ऊपर, अगर आप बाय करते हैं तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है तकरीबन 500,000 तक के घर यहाँ पे जो लोग ले रहे हैं उनको उस प्रोग्राम का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा तो पहला स्टेप ये होगा कि हमें एक अच्छा रियल एस्टेट डीलर ढूंढना है, मतलब हम शारिक भाई के पास आ जाएंगे, बेडफर्ड हाईवे पर शारिक भाई का ऑफिस है, तो हम शारिक भाई के पास आ गए। ठीक है, अब शारिक भाई आगे क्या स्टेप लेंगे? आपके पास इन्वेंट्री हर वक्त अवेलेबल होती है, आप जो है ऑप्शन दिखाएंगे या आप मुझसे पूछेंगे कि यार अहमद तुम्हें किस एरिया में जो है या तुम्हारा क्या बजट है? सबसे पहले अहमद भाई हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितने बेडरूम का घर चाहिए, कितने वॉशरूम चाहिए, आया कि आपके बच्चे हैं, बच्चे किस क्लास में हैं, छोटे हैं बड़े हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से स्कूल जोन में बच्चे रहते हैं, क्या आपको डे केयर की ज़रूरत है आपको या नहीं है ज़रूरत। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनके घर के पास में वॉकिंग ट्रेल्स हों या पार्क्स हों, तो ये सब चीज़ें हम पहले ही बाहर से उसी वक्त फर्स्ट इंटरव्यू में या फर्स्ट मुलाकात में डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब हमारी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है तो फिर हम आपसे साथ ये शेयर करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉकेट्स या ये इलाके हैं जहाँ पे आपको घर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल सकता है। अच्छा क्या आप ये भी जो है बायर से डिमांड करते हैं कि यार आप पहले बैंक से जो है अप्रूवल लेकर आ जाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अक्सर देखा है कि हर बैंक जितना जितने का घर आपको पसंद आता है, मिसाल के तौर पर मुझे 6 लाख रुपए का घर पसंद आता है और मेरी एक सैलरी उसकी रेंज से कम है तो बैंक अक्सर मना कर देता है, तो आपको पहले सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं उनसे कि यार आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, इतना आपको पर मंथ मॉर्गेज का जो है आपके पास लिमिट हो तो आप उसके बाद जो है ना उसी हिसाब से फिर आप घर देखेंगे। नहीं मैं तो नहीं मांगता, बहुत सारे रियल्टर्स मांगते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं मांगता, मुझे तो बायर से बात करके क्लाइंट से बात करके अंदाज़ा हो जाता है कि क्या सिचुएशन है, एंड देन वी ऑल्सो असिस्ट एंड गाइड देम टू गो टू अवर गुड मॉर्गेज ब्रोकर, क्योंकि लैंडिंग के भी कई तरीके हैं यहाँ पे, या तो आप डायरेक्ट बैंक के पास डाले जाए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे लैंडर्स हैं, तो आप डायरेक्ट भी बैंक के पास जा सकते हैं, उनका स्टाफ होता है जो कोई मॉर्गेज वाला, उनसे बात करके एक अप्रूव करा सकते हैं। अदरवाइज मॉर्गेज ब्रोकर का काम ये होता है कि उसके पास कई सारी काफ़ी रेंज होती है, सारे बैंक्स भी होते हैं और बहुत सारे लेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि रिटेल ट्रेडिंग नहीं करते, इसलिए वो लोगों को नहीं पता होते, वो भी उनके पोर्टफोलियो में होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी आपको डील दिला सकते हैं। तो ये सारी मॉर्गेज की चीजें आपने कंफर्म कर ली, उसके बाद जो है आप विजिट्स करवाते हैं लोगों को,
उसके बाद जब हमारी क्राइटेरिया हमें पता लग गई कि आपकी क्या है, और आपने एक तरह से ये भी थोड़ा आइडिया दे दिया कि फॉर एग्जांपल कोई कोई बंदा ये कहता है कि भाई मुझे डारमत नहीं चाहिए घर, कोई कहता है नहीं मुझे हैलीफैक्स में सैकविल में चाहिए, कोई कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ फेयरव्यू के एरिया में, तो फिर हम उस इलाके में जो भी लिस्टिंग्स होती हैं, लिस्टिंग्स के मतलब जो भी अवेलेबल घर होते हैं उस प्राइस रेंज में, उनको ईमेल के जरिए व्हाट्सएप के जरिए उनको भेजते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं ये आपने जो तीन चार भेजे ये तो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन ये जो चौथा है ये मुझे पसंद है, या फिर हम वो भी उनके टाइम के हिसाब से, जैसे वो शाम को फ्री हैं या सैटरडे को फ्री हैं या संडे को फ्री हैं, तो हम घर जाके दिखाते हैं। घर का दिखाने का तरीक़ाकार यहाँ पे ये होता है कि हमें पहले से बुकिंग करनी होती है। जो घर का सेलर होता है वो घर के अंदर मौजूद नहीं हो सकता, उसको घर जा से अच्छा, बाहर। ये एक जी ये बड़ी डिफरेंट इंटरेस्टिंग कंडीशन चीज़ है। है। जी मैं भी आया था तो मुझे भी बड़ी अजीब सी चीज़ लगी कि किसी का कोई घर बेच रहा है, मान लीजिए दिन में उसको 4 बार घर दिखाना है तो वो 4 बार बाहर जाएगा, और एक भी कम से कम आधे घंटे के लिए हम ब्लॉक करते हैं या पौन घंटे के लिए ब्लॉक करते हैं, जिसमें तसल्ली से सुकून से बाहर को घर दिखा सकें। अगर उसके कोई क्वेश्चन है घर के अंदर तो भी हम उसको एड्रेस कर सकें सही से। तो उस बंदे को ये घर पसंद, एक घर पसंद आ गया, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? कितना टाइम लग जाता है एक घर खरीदने के प्रोसीजर में? क्या महीने लग जाते हैं, 3-4 महीने लग जाते हैं, या इट्स अबाउट लाइक अ कपल ऑफ वीक्स टास्क? जी अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल उसको घर पसंद आया और हमने ऑफर लिखा और ऑफर दिया, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे ऑन पेपर होती है, और दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस से ऑफर से लेके और घर की चाबी मिलने तक तकरीबन आप ये मान के चलें कि 40-45 दिन लग जाते हैं, 40 days 45 days। क्योंकि जब हम ऑफर लिखते हैं तो वो कंडीशनल ऑफर होता है, उसमें तीन चार कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज की होती है, होम इंस्पेक्शन की होती है, इंश्योरेंस है, लॉयर भी वगैरह है। तो होम इंस्पेक्शन एक हमें कराना होता है, यानी हम किसी लाइसेंस्ड होम इंस्पेक्टर को लाते हैं, आप मैं सजेस्ट कर सकता हूँ या आप अपना भी कोई मर्जी से ला सकते हैं, और वो फाउंडेशन से लेकर रूफ तक सारी चीज़ों को चेक करता है, और उसके बाद एक रिपोर्ट भी देता है, वर्बली भी बताता है कि घर में आगे आगे क्या कमियाँ आ सकती हैं, अभी फिलहाल क्या क्या कमियाँ हैं, क्योंकि जो भी घर होता है चाहे यहाँ हो या किसी भी कंट्री में हो, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कुछ ना अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना किसी को ढकी छुपी चीजें जो है चिपका दें, नहीं। जिसमें जो है किसी घर में दीमक का मसला है या इस जी तरीके का मसला है, तो ये होम बिल्कुल इंस्पेक्टर आके इंश्योर करेगा। बिल्कुल इसकी फीस जो है ये बायर पे ये करेगा। बायर पे करेगा, तकरीबन इसकी $500 फीस है यहाँ पे अच्छा, हेलीफैक्स में, तो 500+ taxes तो वो आपको बायर को देना होती है। उस स्टेज पे हम तभी पहुँचते हैं जब हम मुतमईन हो चुके होते हैं, हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो चुका होता है, हम बैंक से पता कर चुके होते हैं या लेंडर से पता कर चुके होते हैं कि हमारा मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब हम करा लेते हैं तो फिर हम उसके बाद हम होम इंस्पेक्शन कराते हैं, होम इंस्पेक्शन में भी अगर हमें तसल्ली हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर होम इंस्पेक्शन के दौरान हमें लगता है कि नहीं ये जो हम डील कर रहे हैं इसमें हमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा या कुछ परेशानियां हैं उस घर में, कोई मसले हैं, तो फिर हम बैक ट्रैक कर सकते हैं, हम उस डील से निकल के फिर हम दूसरे घर देखना शुरू कर तो सकते ये हैं। होम इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? कोई लीगल एडवाइजर या लॉयर को हायर करना होता है, या जी आप खुद ही जो है डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं? हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो हम जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तभी उसी वक्त हम लॉयर को भेज देते हैं उसके रिव्यू के लिए, क्योंकि जो हमारी कंडीशंस होती हैं 10 दिन की, उसमें हम लॉयर रिव्यू भी एक कंडीशन होती है, जो कि लॉयर अपनी तरफ से प्रॉपर्टी ऑनलाइन या और जो म्यूनसिपलिटी के सर्वे जो साइट्स हैं उन पर जाके वो स्टडी कर लेते हैं और बता देते हैं आपको कि आया इस घर के ऊपर कोई इशू है कि नहीं है, अगर इशू है तो किस तरह का है, किस नौइयत का है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बर्डन्स होते हैं, यानी उस पर कवेनेंट्स होते हैं, कवेनेंट्स के मतलब ये होता है कि वो खुशिया पावर उसके ऊपर कोई तार अपना ले जा सकती अच्छा, है, मैं या जिन जिन बूथ समझा नहीं, था या कोई खंबा लगा सकते हैं या कुछ इस तरह की आप कर नहीं तो सकें। ऐसा भी कुछ हुआ है कि किसी को पता लगा हो घर खरीदने जा रहे हो और आपको बाद में पता लगा हो कि यार इस घर में जो है साया है, जिस तरह हाँ पाकिस्तान इंडिया में चलता है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है अहमद भाई आपका। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो सेलर को पहले से ही उसको डिस्क्लोज करना होगा। एक यहाँ पे पेपर होता है, उसको कहते हैं PDS शॉर्ट में, वैसे उसका पूरा नाम है प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। दरखास्त किसी का यहाँ किसी ने उस घर में खुदकशी की है कभी, या किसी का मर्डर हुआ है उस घर में, तो उसको सेलर को बताना होगा। अच्छा शारिक भाई, ये सारा तो प्रोसेस हो गया, आपने हर किस्म की इंस्पेक्शन करवा लिया, आपने लॉयर भी हायर कर लिया, उसके बाद ट्रांसफर कहाँ पर होता है नोवा स्कोशिया में? यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो लॉयर के थ्रू होता है, यू हैव टू गो टू द लॉयर्स ऑफिस टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। आपको किसी गवर्नमेंट इदारे में या म्यूनसिपलिटी में या कोर्ट में नहीं जाना होता, अच्छा, यहाँ पर कोई इदारा नहीं बना हुआ जी है? आपको लॉयर ऑफिस में जाना होता है, लॉयर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखता है, एक मखसूस डेट पे और टाइम पे आपका प्री सेट टाइम होता है जो आप उसके लॉयर के साथ एग्री कर लेते हैं कि भाई मैं इतने बजे जाऊंगा इस तारीख को, एंड देन ही विल एक्सप्लेन टू यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और जहाँ जहाँ वो इनिशियल कराना है या साइन कराना है लॉयर करा लेंगे। जब वो सारा कुछ पेपर वर्क हो जाएगा देन आप अपने आ जाएंगे, और उसी दिन जो क्लोजिंग डेट होती है उस दिन आपके बैंक से पैसा आ जाएगा और आपको चाबी मिल जाएगी। जो उसके डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें स्टैम्प्स वगैरह लगी होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, वो लॉयर आपको आफ्टर क्लोजिंग यानी चाबी मिलने के कुछ दिनों बाद भेजते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी गवर्नमेंट इदारों में उस डॉक्यूमेंट्स को भेजना होता है। और क्या फीस होती है लॉयर्स की? हेलीफैक्स में तकरीबन 800 से लेके 1200 तक फीस है ये एक रियल इस्टेट अच्छे लॉयर की, ये भी बायर पे करेगा या सेलर पे ये करेगा? बायर पे करेगा।
सेलर भी पे करता है, वो अपने लॉयर को पे कर, दो लॉयर होते हैं। गवर्नमेंट अच्छा की फीस है वो हम मिस कर गए इस कन्वर्सेशन में, यहाँ पे हेलीफैक्स में 1.5% डीड ट्रांसफर टैक्स है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं यहाँ पे तो 1.5% आपको गवर्नमेंट को देना होगा। 5 लाख का डील 5 लाख करना। की अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 7,500 गवर्नमेंट को जाएगा। अच्छा जी, ये आपको क्लोजिंग टाइम पे, इसको यहाँ पे कहते हैं क्लोजिंग फीस, तो क्लोजिंग फीस कह लें या क्लोजिंग एक्सपेंसेस कह लें, तो उसमें ये शामिल होता गवर्नमेंट तो यार हर जगह पे जो है ना इनका कमीशन बायर है। सेलर से भी बिल्कुल ले रही है, मतलब टैक्स तो जो है ना यहाँ पर हर चीज बिल्कुल पर लग रहा है। तो अब जो है ना हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं घरों की कैटेगरीज के बारे में। जिस तरीके से जब मैं यहाँ कनाडा में आ रहा था तो एक कैटेगरी मुझे सुनने में आती थी कॉन्डो, तो ये बड़ा सुन के अजीब लगता था। बाद में मुझे रिसर्च करने में पता लगा ये कॉन्डो जो है स्टूडियो अपार्टमेंट को बोलते हैं यहाँ पर। जी 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 तो और इसके अलावा कितनी कैटेगरीज होती है यहाँ पर घरों की? ब्रॉडली अहमद भाई, यहाँ पे चार तरह के घर समझे जाते हैं। एक तो डिटैच घर हो गया, जिसमें कि आपका डिटैच घर है, दोनों तरफ कोई भी वॉल नहीं है नेबर की, आपका पूरा अपना घर है, अपने लॉट, अपने प्लॉट के ऊपर, यहाँ लॉट कहते हैं, लॉट के ऊपर एक घर बना हुआ है, ना तो अच्छा आपका लेफ्ट में राइट में दोनों में या बैक में कहीं पे भी कोई किसी भी नेबर के साथ शेयर नहीं हो रही वॉल। फिर उसके बाद सेमी डिटैच होता है, यानी एक प्लॉट पे, एक लॉट पे दो घर बने हुए हैं साइड बाई साइड, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, साइड बाई साइड भी हो सकते हैं, यानी एक शेयर कर रहे हैं आप वो वॉल। जिस तरीके से लाहौर और रावलपिंडी में होता था साथ साथ चिपकी भी जी दीवारें जी होती हैं, जी एक दीवार से छलांग मार के आप दूसरे एग्जैक्ट, दूसरे घर में चले जाओ दो आप। सेमी डिटैच हो गए, यानी प्लॉट पे दो घर बने अच्छा हुए। फिर उसके बाद टाउन हाउसेज होते हैं, जिसमें कि 5 या 6 घर मिले हुए होते हैं, उसमें लगातार सबकी छत कॉमन होती है और एक डोर फिर दूसरा डोर, इस तरह से 6 घर 7 घर 5 घर, इस तरह के टाउन हाउसेज होते हैं। और फिर एक जो आपने कहा कॉन्डो अपार्टमेंट्स या कॉन्डो, तो अपार्टमेंट्स हर तरह के होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। कुछ अपार्टमेंट्स इतने बड़े होते हैं कि जैसे कि 2,000 स्क्वायर फीट का भी हो सकता है अपार्टमेंट, कुछ अपार्टमेंट बहुत ही छोटे होते हैं, 800 स्क्वायर फीट के होते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन कॉन्डो में या अपार्टमेंट में थोड़ा सा ये है कि हर महीने आपको एक मखसूस फीस होती है कॉन्डो की, जो आपको पे करना होती है टू मेंटेन द अपार्टमेंट। और 3 तरह के घर हैं, टाउन हाउसेज हैं, सेमी डिटैच हैं, डिटैच हैं, उसमें कोई फीस नहीं होती। मेरा आपसे सवाल है कि लोग सेमी डिटैच पसंद करते हैं घर? सेमी डिटैच में तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई। यहाँ पे जो वॉल, जो शेयरिंग वॉल है, उसमें वो इंसुलेशन डालते हैं और बैरियर्स डालते हैं, जिसमें कि दूसरे की आवाज़ बराबर में नहीं आए, या किसी टीवी की या किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आए। तो सेमी डिटैच पे इस तरह का कोई भी मसला नहीं है कि कोई आवाज़ या इस तरह का, लेकिन लोगों का डिपेंड करता है कि उनकी चॉइस क्या है, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद और करते। एंट्रेंस भी सेपरेट होगी सेमी एंट्रेंस डिटैच में? बिल्कुल सेपरेट होगी, आपका कोई उससे लेना देना नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या सेमी डिटैच घर में और डिटैच घर की प्राइसेस में फर्क होता है? बिल्कुल होता है, सेमी डिटैच घर जो है वो थोड़ा सा सस्ता होगा, और डिटैच घर जाहिर सी बात है महंगा होगा, क्योंकि उसका बैकयार्ड, उसका फ्रंट यार्ड, उसकी सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो कनाडा में जो है घर कितने के मिल जाते हैं? अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप जरा थोड़ी सी कुछ कैटेगरीज बताएंगे कि हेलिफैक्स में अगर हम एक एवरेज घर की बात करें डिटैच हाउसेस कितने के मिल जाते हैं, सेमी डिटैच में कितना डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा प्राइस रेंज का बता दें किसी एक एरिया को पिक करके। डार्टमथ का कर लेते हैं क्योंकि जी डार्टमथ एक ऐसा एरिया है जो कि हेलीफैक्स के साथ साथ लगता है जी और इसकी प्राइसेस मैंने सुना है कि थोड़ी कम है एज जी मतलब कम्पेयर टू हेलीफैक्स। भाई प्राइसेस वैसे बढ़ रही हैं यहाँ पे काफ़ी, लेकिन अभी भी डारबत में अगर आप देखें तो 500 से 600 के बीच में डिटैच घर एक ठीक ठाक मिल जाता है। अगर सेमी डिटैच आप देखें तो फिर 450-500 तक अच्छा सेमी अच्छा आप डिटैच। कहना चाह रहे हैं कि तकरीबन अराउंड 1 लाख का जो है डिफरेंस होता है जी सेमी डिटैच और डिटैच में। जी टाउन और फिर अगर हम टाउन हाउसेस की बात करें? हाउस थोड़ा और 50-60 हज़ार कम मान के चले आपके मिल अच्छा जाएगा अच्छा। और कॉन्डो जो है वो फिर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा दे ले रहे हैं, क्योंकि शारिक भाई, ये किस तरीके से आप इंश्योर करवाते हैं कि एक बायर को आप घर दिलाने जा रहे हैं और वहां पर उस इलाके में जंकीज नहीं हो? अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ ये इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने एक घर खरीद लिया और उनको बाद में ये बात पता चली कि यार वो पूरा एरिया ही जंकीज का था। जंकीज, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो जंकीज यहाँ पर जो शराबी नशाई जो चरस गांजा का जो एक नशा करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है अहमद भाई। बेसिकली ये काम रियल एस्टेट एजेंट का ही है, हमारा ही काम है कि हम बायर को एजुकेट करें, बिकॉज बायर डजंट नो, बिकॉज वो तो फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है घर, हो सकता है कि वो रिसेंटली आया हो, 1 आध साल पहले ही आया हो अपने मुल्क से, तो उसको नहीं पता है हर इलाके के बारे में, हर लेन के बारे में। आपने जिस जिक्र किया जिस कम्युनिटी का, वो कुछ मखसूस सड़कों पे, रोड्स पे, या मखसूस लेन में या इलाकों में रहते हैं, और आपको एज ए रियल एस्टेट एजेंट यू शुड नो कि कौन से एरिया में कौन किस तरह के लोग रहते हैं। तो आप, हम अपने बायर को सारा पहले से जब हम घर दिखाना शुरू करते हैं तो बताते हैं, और उनको वार्न भी करते हैं कि इस इलाके में आप ना लें या ना पसंद करें। अगर कोई घर उन्होंने पसंद भी किया होता है ऑनलाइन देख के, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उस पर देख के, तो हम उनको बताते हैं नहीं, इसको आप पास कर दें, इसको ना देखें, आप वी विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस। ऐसा बंदा कि जिसका 5 लाख डॉलर्स का बजट है, आप उसको क्या मशवरा देंगे कि आज के टाइम में हेलीफैक्स के सराउंडिंग्स में वो कहां पर घर ले? हैलिफैक्स में लेना है तो इस प्राइस रेंज में उसको सैकवेल, लोअर सैकवेल इलाकों में अच्छा घर मिल सकता है, और मेरा मशवरा रहेगा, क्योंकि वहाँ से कम्यूट अच्छी है, सीधा डाउनटाउन का रास्ता है,
कोई बीच में सिग्नल नहीं है ऐसा मेजर, तो आई थिंक सैटवल विड बी माई फर्स्ट चॉइस इन टर्म्स ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी इन दिस प्राइस रेंज। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोअर और मिडिल सेक्विल जो है यहाँ पर अच्छे घर मिल जाते हैं, इस रेंज में मिल जाएंगे, और आप समझते हैं कि ये एरियाज अच्छे हैं। आपकी क्या एडवाइस होगी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, अगर कोई नया इमिग्रेंट कनाडा आता है पाकिस्तान से या इंडिया से, तो घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या मशवरा देंगे आप? मैं तो अहमद भाई यही सजेस्ट करूंगा और मशवरा दूंगा कि घर खरीदना चाहिए आदमी को यहाँ पे जाए। उसकी दो तीन वजह हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे काफ़ी कम है अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से कंपेयर करें। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो रेंटल हैं अभी हेलीफैक्स में और डारमत में और इलाकों में काफ़ी बढ़ गए हैं। आपने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की, पाकिस्तान में अराउंड कोई 22 से 25% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कनाडा में हेलीफैक्स में इस वक्त क्या रेट चल रहा है? कनाडा में अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पर जाएंगे तो तकरीबन 5% है, अगर आप वेरिएबल पे जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा है, और जो कि आगे चल के उम्मीद है कि कम होगा क्योंकि पिछले सालों में कम था फिर बढ़ गया है इस वक्त, लेकिन फिर भी और मुल्कों से काफ़ी कम है, मतलब इंडिया पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें। तो एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं दूसरे शहरों से या दूसरे कंट्रीज से, रेंटल काफ़ी बढ़ चुका है हेलीफैक्स में और डारमत में और आसपास के इलाकों में। तो अगर किसी को घर अपार्टमेंट छोटा अपनी फैमिली के लिए लेना है तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी उसकी सैलरी का रेंटल में चला जाता ये है। तो बिल्कुल आपने सही बात बताई है कि अराउंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 2000 से 2500 कैनेडियन डॉलर्स का आजकल चल रहा है, ऐसे ही है, इतना मॉर्गेज पे आपको मिल जाता है क्या? इतने मॉर्गेज पे तकरीबन घर तो आपको मिल जाएगा लेकिन घर लेने के बाद और भी अखराजात रहते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, इंश्योरेंस है उसका, वाटर बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, तो वो मिला के थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि घर में एक वॉकआउट है नीचे या कुछ प्राइवेट डोर है या अलग है, तो लोग रेंट पे भी दे रहे हैं नीचे, लोग कुछ लोग एयरबीएनबी भी चला रहे हैं, तो बहुत सारे मॉडल्स पे लोग काम कर रहे हैं और घर को खरीद रहे हैं। लेकिन बेसिक सवाल ये है कि हमें घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि घर एज सून एज पॉसिबल, जब भी आपकी सिचुएशन ऐसी हो या जॉब लग जाए या बिजनेस स्टार्ट हो जाए, आपको अपना घर देखना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि प्राइसेस भी सब्सटेंशली बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 7 साल में ही मैं देख रहा हूँ, रियल एस्टेट से 7 साल हो गए तकरीबन मुझे, और हर साल इजाफा ही हुआ है प्राइस में, पीछे नहीं गया है। तो पहले आपने बात बताई कि एक तो रेंट हमारा बच जाएगा, जी जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो हमारा जो है कैपिटल बनता जाएगा, वो जी जमा होता जाएगा, कल को अगर हम बेचें तो उसमें कैपिटल गेन भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल आपकी दूसरी बात है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं घरों की। बिल्कुल तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने एक घर 5 लाख का लिया तो कल को मैं 6 लाख का बेच सकता एग्जैक्टली हूँ, लाख डॉलर्स का मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे सारे लोग इस वजह से घर रुक जाते हैं लेने में, सोचते हैं कि अभी हम आए हैं हेलीफैक्स या यहाँ रहेंगे कुछ दिन और 2-3 साल बाद हम चले जाएंगे टोरंटो, हमारे वहाँ पर रिश्तेदार हैं या हमारी कम्युनिटी है जो भी है। मैं उनको भी यही मशवरा दूंगा और कहना चाहूँगा कि आप घर ले लें, जब आप जैसे आपने कहा आप टोरंटो मूव करें वाले 3 साल बाद, तो आपको 100,000 150,000 जो भी आपकी उस वक्त सिचुएशन होगी आपको मिलेगा, एंड दैट मनी यू कैन यूज़ एज अ डाउन पेमेंट इन टोरंटो, बिकॉज वहाँ पे या और बड़े शहरों में प्राइसेज हेलीफैक्स से भी ज़्यादा है। तो इसलिए घर लेने में आपको कभी नुकसान नहीं है, आपकी इक्विटी बन जाती है ओवर द ईयर्स, आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी होता है, कैश नहीं होता लेकिन आपका प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, आप कभी भी उसको बेच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत लंबा अरसा नहीं लगता किसी भी घर को बेचने में, अगर आपने जहन बना लिया कि आज मैं अपना घर सेल करने पर लगा रहा हूँ, तो तकरीबन आपको आज से लेके और 1.5 महीने के अंदर आपको तकरीबन पैसे मिल जाएंगे घर बेचने। तो ये आपने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना मशवरे दिए हैं, उम्मीद करता हूँ इससे जो है ना मेरे व्यूवर्स को भी जो है फ़ायदा होगा। भाई ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा शारिक भाई के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई सवालात हो तो आप लाजमी कॉमेंट कीजिएगा, अगर आपके सवालात ज़्यादा हुए, 10 से ज़्यादा सवालात भी हुए, तो मैं फिर इंशाल्लाह शारिक भाई के साथ एक और मीटिंग रख लेंगे और एक और जो है ना उस पर एक डिटेल वीडियो बना लेंगे। तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको भी जो है खुशियाँ नसीब करें। नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।